शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदर्भ में औसतन 100% बारिश हुई, जबकि गोंदिया, यवतमाल और अकोला में 100% कम बारिश हुई है। इस वर्ष महाराष्ट्र में आने वाले पहला मानसून विदर्भ में था, हालांकि मानसून धीमा हो गया। विदर्भ में पिछले एक महीने में औसतन 100% बारिश हुई है। एमएल साहू, निदेशक क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा कि उन्होंने विदर्भ में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। चूंकि वर्षा का प्रतिशत संतोषजनक है, फसल के लिए चल रही बूंदाबांदी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि विदर्भ में वर्षा संतोषजनक है, लेकिन धान की खेती की बेल्ट मानी जाने वाली गोंदिया जिले में बारिश सामान्य बारिश की तुलना में 29% कम रही है। गोंदिया में एक महीने में 311 मिलीमीटर बारिश होने वाली थी, लेकिन वास्तव में 221 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले साल भी इस दौरान 25% कम बारिश दर्ज की गई थी। यवतमाल जिले में भी 21% कम बारिश हुई है। यवतमाल में 233 मिलीमीटर औसतन माह के दौरान 183 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पिछले साल यह घाटा 46% था। अकोला में 18% कम बारिश हुई है। सामान्य बारिश 197 मिलीमीटर होने की उम्मीद थी, लेकिन अकोला में 162 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले वर्ष इस अवधि में वर्षा की कमी समान थी। विदर्भ में इन 3 जिलों के अलावा अन्य जिलों में महीने के दौरान अच्छी वर्षा होती थी। मौसम विभाग के अनुसार अमरावती में सामान्य से 5% अधिक बारिश हुई, जबकि वाशिम में सामान्य से 40% अधिक बारिश हुई है। राजधानी नागपुर में भी 9% अधिक बारिश हुई है। नागपुर में 1 जून और 8 जुलाई के बीच 255 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना थी, लेकिन इसमें 278 मिलीमीटर या 9% अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा बुलढाणा जिले में भी 27% अधिक वर्षा हुई है। वर्धा, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर सहित विदर्भ के अन्य जिलों में 90-95% औसतन बारिश हुई है। इसलिए विदर्भ में किसान खेती में व्यस्त है। मानसून अभी एकदम सामान्य चल रहा है विदर्भ में। ओवरऑल जो है अभी तक 254 मिलीमीटर रेन हो चुका है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। अभी 1 जून से अभी तक जो है 254 मिलीमीटर नॉर्मल रेनफॉल है, तो उसके बराबर ही है। तो अभी मानसून की स्थिति ठीक है। नागपुर जिले का भी अगर हम देखें तो नागपुर जिले में थोड़ा सा 9% ज़्यादा है, वहाँ पर 278 मिलीमीटर रेनफॉल अभी तक हो चुका है। हालांकि ये भी सामान्य के कैटेगरी में आता है, प्लस माइनस 19% जो है सामान्य में आता है। तो अभी तक एक दो जिले विदर्भ के छोड़ के बाकी सभी जगह पे औसत रेनफॉल ठीक ठाक है। सबसे कम किस जगह पे बारिश हुई है और आगे की क्या कंडीशन रहेगी सर? अभी जिलेवार अगर हम देखेंगे तो गोंदिया जिला जो है उसमें सबसे कम बारिश हुई है, वहां पे 29% कम हुए हैं। अभी चूंकि गोंदिया धान का एरिया है, वहाँ पे बारिश की ज़्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए वहाँ थोड़ी सी कमी है। लेकिन आगे ये कवर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड जैसा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है तो जुलाई अगस्त में सामान्य बारिश होने की संभावना है। परंतु अभी फिलहाल 3-4 दिन अगर हम देखेंगे तो बहुत भारी बारिश या ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, और हल्की से मध्यम बारिश जो है कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिन तक होने की संभावना है। तो अभी कोई भारी वर्षा की चेतावनी भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बंगाल की खाड़ी में अभी 3-4 दिन तक कोई सिस्टम बनता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए एक मानसून की सामान्य वर्षा हल्की से मध्यम होती रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की अभी कोई संभावना नहीं। अगर पिछले साल से अगर तुलना की जाए तो इस बार क्या लगता है आपको मानसून की क्या स्थिति रहेगी? पिछले बार जो था मानसून एक्चुअल में सामान्य पैटर्न में नहीं आया था, काफी लेट ऑनसेट हुआ था, 20 जून के आसपास ऑनसेट हुआ था। फिर उसके बाद में जुलाई ठीक था, लेकिन जो बारिश थी वो अगस्त में और जुलाई के आखिरी में कम हुआ, फिर बाद में सितंबर में ज्यादा बारिश होके उसको मेकअप किया था, जो कि किसान के हिसाब से वैसा सही नहीं है। उनको जुलाई और अगस्त में ज्यादा बारिश चाहिए होता है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से सामान्य था, लेकिन इस बार ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हम जो सामान्य बारिश होती है, जुलाई अगस्त सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना होता है, उसमें इस बार सामान्य बारिश होने की पॉसिबिलिटीज
मॉडल्स में दिखाई गई है। तो इस बार बारिश पिछले साल की तुलना में अच्छी बारिश की संभावना है। इस बार ऑनसेट भी सामान्य हुआ है, टाइम से हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि औसत बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी इस बार। इन बीस एंड न्यूज के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।